जहां तक दिल्ली सरकार का प्रश्न है, हमने तो दया याचिका आरोपियों की कुछ घंटे में खारिज कर दी और आप दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, जिसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं। डीजी के अपॉइंटमेंट तिहाड़ जेल में करेगी भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब, और उसके लिए जिम्मेदार आप ठहराएंगे दिल्ली सरकार को। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस लापरवाही, अगंभीरता और असंवेदनशीलता के लिए, और आज जो झूठा बयान दिया है उन्होंने, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और अगर निर्भया के आरोपियों के फांसी के मामले में विलंब हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आज भाजपा दिल्ली चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़कर जी ने बयान दिया है, निर्भया के आरोपियों को फांसी दिए जाने में जो विलंब हो रहा है उसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे ज़्यादा हास्यास्पद, इससे ज़्यादा बेशर्मी भरा, इससे ज़्यादा गैर जानकारी का या इससे बड़ा झूठा कोई बयान नहीं हो सकता जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़कर जी ने दिया है। पूरी दिल्ली और देश जानता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से भाजपा के हाथ में है। केंद्र में आसीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में है। जो भी फांसी में विलंब हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, और इसलिए केंद्रीय मंत्री जी को गुमराह करने के बजाय भाजपा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे संवेदनशील मामले में भी लापरवाही बरती, असंवेदनशीलता दिखाई और जिसके कारण फांसी में विलंब हो रहा है, फांसी टल रही है। जहां तक दिल्ली सरकार का प्रश्न है, हमने तो दया याचिका आरोपियों की कुछ घंटे में खारिज कर दी और आप दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जिसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, जिसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं, जिसके हाथों में कानून व्यवस्था नहीं। डीजी के अपॉइंटमेंट तिहाड़ जेल में करेगी केंद्र सरकार, डीजी के अपॉइंटमेंट तिहाड़ जेल में करेगी भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब, और उसके लिए जिम्मेदार आप ठहराएंगे दिल्ली सरकार को। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपनी इस लापरवाही, अगंभीरता और असंवेदनशीलता के लिए, और आज जो झूठा बयान दिया है उन्होंने, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विषय है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में है, और अगर निर्भया के आरोपियों के फांसी के मामले में विलंब हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार।